के बाद तकरीबन ब्रेक एक हफ्ते की प्री ब्रेक रही, उसके बाद क्लासेज आज से इंशाल्लाह रिकमेंस कर रहे हैं। इस दौरान सीट की छुट्टियां रहीं और आप लोगों का रिजल्ट भी रहा। तो विद रेफरेंस टू रिजल्ट, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मतलब सीए के एग्ज़ाम में अनफॉर्चुनेटली फेलियर अक्सर बच्चे फेस करते हैं और अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं, तो एट टाइम दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू मैनेज फेलियर। फेलियर बुरी बात होती है एग्जाम में, लेकिन उससे भी बुरी बात है अगर आप उस फेलियर से कुछ सीखें ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेलियर को लेके उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, वो अपने अंदर फॉल्ट्स नहीं ढूंढते कि हमारी तरफ से क्या कमी रही। उनकी अक्सर जस्टिफिकेशन यही रहती है, जी टीचर ठीक नहीं था, या किताब ठीक नहीं थी, या नोट्स ठीक नहीं थे, या प्रैक्टिस मटेरियल हमें ठीक नहीं मिला था। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आई कैप ने पेपर टफ दे दिया था, मार्किंग ठीक नहीं हुई, बाहर चीज़ें देखते रहते हैं। जबकि अगर आप अपने फेलियर को कामयाबी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको सब बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है और आपको फेलियर की कॉजेज ढूंढनी होती हैं। जब तक आप फेलियर की कॉजेज नहीं ढूंढते आप रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाते। हमारे बच्चे अक्सर रिपीट फेलियर में चले जाते हैं क्योंकि वो कॉजेज रीजन ढूंढे बगैर दोबारा उसी तरह पढ़ने में लग जाते हैं जैसे पहले पढ़ा था। पहले घंटा पढ़ा था, अब सवा घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं, चलो जी 15 मिनट पढ़ा देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि पास होने के लिए चाहिए क्या। हो सकता है पास होने के लिए 1.5 घंटा चाहिए, हो सकता है 2 घंटे चाहिए, हो सकता है घंटा ही चाहिए हो लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में चाहिए हो। तो आपने सोचा ही नहीं, आपने ऑन योर ओन ही घंटे से सवा घंटा टाइम दे के आप समझे कि अब मैं पास हो जाऊंगा। तो होता क्या कि 2 नंबर प्लस हो जाते हैं या 2 नंबर माइनस हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आपके एफर्ट्स सेम एफर्ट रिपीट करोगे तो सेम रिजल्ट रिपीट हो जाते हैं 19-20 के फर्क के साथ। तो सबसे अहम चीज होती है अपनी फेलियर की कॉजेस को इन्वेस्टिगेट करना। उसमें मैं जनरली स्टूडेंट्स को गाइडलाइन करता हूँ 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता 10 दिन लगाओ, लेकिन यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ योर फेलियर्स। खुदा ना खास्ता आपने देखो बच्चा फेल हुआ है, उसमें एक लिस्ट होनी चाहिए फेलियर्स की कि मेरी फेलियर के पीछे कॉजेज क्या। देयर कुड बी नंबर ऑफ कॉजेज, हो सकता है आपकी सिलेबस कवरेज में कोई कमी हो, कंप्रीहेंसिव कवरेज ना हो, हो सकता है आपके रिवीजन में कोई कमी रही हो, आपने 3-4 दफा सिलेबस को रिवाइज नहीं किया था इसलिए आपकी ग्रिप अच्छी नहीं थी, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस में कमी रही हो, आपने पास सफिशियंट पास पेपर्स नहीं देखे थे, डिफरेंट सिनेरियोस पे आपने काम नहीं किया हुआ। देन हो सकता है आपकी एग्जाम टेक्निक्स जो 3 घंटे 15 मिनट जो मोर देन 50% होते हैं पास और फेल में डिफरेंस डालने वाले, उसमें आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है, उसमें परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं रही। सो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है शुरू के 2-4-5-10 दिन लगा के, जिसमें आप खुद अपने आप इस बारे में सोचिए, अपने टीचर्स से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, अपने स्टूडेंट्स जो पास हुए उनसे कंपेयर कीजिए कि उनकी एफर्ट्स और आपकी एफर्ट्स में क्या फर्क रहा, उनकी डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन में क्या फर्क रहा। तो जब तक आपके पास को 5 से 10 वीकनेसेस की लिस्ट नहीं है कि ये 5 से 10 एरियाज हैं जिन पे अगली दफा मैंने डिफरेंस डालना है, सिर्फ ये नहीं कि घंटे की जगह सवा घंटे बैठ जाना मैंने, दिस इज नॉट द वे हाउ विल यू विल इंप्रूव। आपके पास रीजंस होनी चाहिए, एरियाज होने चाहिए कि कवरेज में कहां कहां खामी थी, मैंने क्या गलती की, रिवीजन में कहां कहां खामी, क्या गलती रही, प्रैक्टिस में क्या क्या गड़बड़ हुई, पेपर में, टाइम मैनेजमेंट में, क्वेश्चन की सिलेक्शन में। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूं जो सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज दे एडमिट देमसेल्फ कि वी चोज द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम, कि मैंने 1 2 3 4 कर लिया था इसलिए मैं फंस गया, अगर मैं 1 3 2 4 किए होते तो शायद मैं पास हो जाता। इवन दिस मैटर्स, पास और फेल में परफॉर्मेंस में इतनी मैटर करती है कि एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन किस सीक्वेंस में आप कर रहे हैं वो भी मैटर कर रही होती है। तो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट। आपको जैसे मैंने कहा 5 से 10 रीजंस की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास और फिर उन रीजंस को टारगेट करो, ये मेरी कमजोरियां थी, इन कमजोरियों की वजह से मैं फेल हुआ, तो इन कमजोरियों पे आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं ताकि हम अपने फेलियर को पास में कन्वर्ट कर सके। टारगेटेड एफर्ट, जो अक्सर आपने वर्ड सुना होगा स्मार्ट एफर्ट चाहिए, स्मार्ट हार्डवर्क चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट हार्डवर्क चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट वर्किंग चाहिए। तो उसमें कैलकुलेटेड वे में चलते हैं, कोशिश हर टीचर कर रहा होता है आपको तरीका बताया जाए कि व्हाट इज द वे टू प्रोसीड, हर सब्जेक्ट को ग्रिप करने का, लेके चलने का तरीका क्या है, तो उसके मुताबिक कोशिश किया करें, फॉलो किया करें। और खुदा ना खास्ता जैसे मैंने कहा फेल हुए हैं, ऑलवेज रिवर्ट टू योर टीचर। मुझे लगता है ये सम और ये भी एक लोगों के जहन में, बच्चों के जहन में होती है, जब किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उस टीचर से थोड़ा हिचकचाते हैं और शर्माते हैं, मिले नहीं आते। हालांकि जब आप फेल हुए हो दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड योर टीचर मोस्ट, उस वक्त आपको टीचर की गाइडेंस सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त आपको गाइडेंस थोड़ी सी ट्यूनिंग आपकी हो जाएगी, अब सही डायरेक्शन में चल पड़ोगे और आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मैं तो सीए फाइनल में बड़ी कॉमन एक्टिविटी है, 2-2 3-3 साल बाद बच्चा आता है, मैंने कहा तुम अभी तक पास नहीं हुए, वो सर बस फेल हुआ था, फिर मैं इधर हो गया, फिर मैं उधर हो गया, फिर आया नहीं, तो अब तंग आगे मायूस हो गया, फिर दोबारा आ रहा था। मैंने कहा बेटा जब तुम 40 पे फेल हुए तो उस वक्त मेरे पास आते,
मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी ये तुम्हारे गैप से, मैं तुम्हें इधर गाइड करता, तुम इधर इतनी सी एफर्ट से पास हो जाते, बस सर वो बस शर्म के मारे नहीं आया, मुझे ये लगा मुझे वो लगा, तो दिस इज नॉट द वे बेटा, अपना नुकसान करते हैं आपको सबसे ज्यादा, अगर खुदा ना खासा आपके सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, सबसे ज्यादा जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है उस वक्त मेंटोरिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, आपके टीचर है। तो जरूर अगर खुदा ना खासा आपने किसी बच्चे ने एक्सपीरियंस किया फेलियर, तो अपने टीचर से मिलिए, वो सबसे बेहतर आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जब तक आपके पास 5 से 10 रीजंस की लिस्ट नहीं है, आपको सब्जेक्ट को भी दोबारा पढ़ाई शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। यू विल एंड अप विद द सेम रिजल्ट, वही रेफर दोबारा करोगे, वही रिजल्ट दोबारा ले लोगे। 5 से 10 वीकनेसेस की लिस्ट होनी चाहिए। सिर्फ ये सोचना कि ये घंटे की जगह 1.5 घंटे पढ़ लेंगे, या मैंने पिछले प्रैक्टिस में 5 साल के पेपर किए, सिर्फ 10 साल के पेपर कर लूंगा, हो सकता है आपका मसला प्रैक्टिस का हो ही ना, आपका मसला कहीं और, आपका मसला रिवीजन का हो, कवरेज का हो, आपका मसला एग्जाम टेक्निक का हो, आप सारी एफर्ट प्रैक्टिस पे लगा दो, तो प्रैक्टिस कैसे 2 नंबर बढ़ जाएंगे, 3 नंबर बढ़ जाएंगे, रहे हुए 12 नंबर से, ठीक है। तो कोई एक रीजन आपका 10-12 नंबर का फर्क नहीं निकालती, आपको 5-7 रीजन पे काम करना पड़ता है, 5-7 एरियाज पे काम करना पड़ता है। हर एरिया में आप काम करते हो तो 2-2 नंबर बढ़ जाते हैं, कहीं से 1 नंबर, कहीं से 2 नंबर, कहीं से 3 नंबर, तो 5-7 एरिया पे काम करते हो तो 10-12-15 नंबर का फर्क पड़ता है। एक एरिया पे काम करोगे कॉमन, पिछले बार 40 में फेल हुआ था, 42 में फेल हुआ, किया क्या था, प्रैक्टिस ज्यादा करनी थी, मेरा ख्याल था प्रैक्टिस काम करने की वजह से फेल हुआ, तो भाई तुम्हारा ख्याल था ना तुम प्रैक्टिस काम करने की वजह से फेल हुआ, जरूरी नहीं कि दिस वाज द रीजन, हो सकता है एग्जाम की परफॉर्मेंस की वजह से फेल हुआ, 3 घंटे 15 मिनट में टाइम कैसे मैनेज करना तुम्हें वो नहीं आता था, हो सकता है सिलेबस की कवरेज पूरी नहीं थी, रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, 3-4 बार रिवीजन चाहिए नहीं की हुई थी, एक दफा सिलेबस कवर किया था, एक दफा बड़ी मुश्किल से रिवीजन कर पाए थे। सो यू नीड टू स्पेसिफिकली नो व्हाट आर द रीजंस, रीजंस आपको मिलेंगी, लिस्ट होगी रीजंस की, उन रीजंस पे काम करोगे तो ही आप फिर रिजल्ट को चेंज कर पाते हो। सो काइंडली इस पे ख्याल कीजिएगा, फोकस करके टारगेट करके एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह तो रिजल्ट बड़े आराम से आप इंप्रूव करते हैं, बड़े आराम से सक्सेस हासिल कर पाते हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने फाइफो एफको को देखा था, कॉस्ट और एनआरवी के प्रिंसिपल पढ़े थे, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे थे। हमें मजीद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे एजेंडे में है। तो किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेरी, रिवीजन आपने की हो छुट्टियों में, उसमें कोई इशू आया हो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड? अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिटी लिमिटेड, इसकी रिक्वायरमेंट 2 हैं। प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयर स्टॉक लेजर कार्ड टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द मंथ एंड। इट इज नॉट एट द मंथ एंड, दिस इज एट द मंथ एंड, ठीक है जी। सो दो रिक्वायरमेंट है, पहले मैं इसको पार्ट बी को सॉल्व करूंगा, फिर पार्ट ए को मैं सेकेंड नंबर पे सॉल्व करूंगा, क्योंकि पार्ट बी में जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज हमें पार्ट ए में एंट्रीज में हेल्प करने वाली हैं। तो पार्ट बी में हम स्टॉक लेजर कार्ड बनाएंगे मंथ एंड क्लोजिंग एंट्री निकालने के लिए, और पार्ट ए में हमने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। बहरहाल लेट्स रीड द स्टोरी, फिर हम देखते हैं क्या इसमें रिक्वायर्ड है। क्वालिटी लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ वॉशिंग मशीन, द कंपनी यूजेस परपेचुअल मेथड। परपेचुअल और पीरियोडिक मेथड क्या फर्क होता है जी? जी कौन बताएगा, व्हाट इज परपेचुअल मेथड एंड व्हाट इज पीरियोडिक मेथड? दो मेथड पढ़े थे ना हमने अकाउंटिंग के, दो मेथड परपेचुअल एंड पीरियोडिक। जी परपेचुअल बेटा आप बताइए। दिस नॉट द मेन डिफरेंस, दिस नॉट द मेन डिफरेंस। परपेचुअल सिस्टम क्या होता है जी, कौन बताएगा? जी आप बताइए बेटा, जरा कोशिश कीजिए बताने की। परपेचुअल सिस्टम ने हर रिसीट और हर इशू को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास की जाती है। पीरियडिक सिस्टम में सिर्फ हम परचेजेस को रिकॉर्ड करते रहते हैं, इशूज को रिकॉर्ड नहीं करते। पीरियड के एंड पे हम क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं, हैंड कितना है, और उसके मुताबिक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी कंजम्पशन होती है, ये हमारा यूजेज होता है। परपेचुअल में हर ट्रांजेक्शन इशू की रिकॉर्ड किया जाता है, और हमेशा हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड अप टू डेट होता है एज रिगार्ड टू इन्वेंट्री यूज, एज रिगार्ड टू इन्वेंट्री इन हैंड। अच्छा, द फॉलोइंग परपेचुअल मेथड है फॉर अकॉर्डिंग एंड वेटेड एवरेज मेथड यूज हो रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू अ रॉ मटेरियल एसआरएम फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। रॉ मटेरियल एसआरएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एसआरएम वाज 100,000 यूनिट्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ ₹80 पर यूनिट। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, कि ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे और स्टोर लेजर कार्ड में रिकॉर्ड करते जाते हैं। अच्छा, स्टोर लेजर कार्ड में अगर आपको याद हो तो हमने दो फॉर्मेट सीखे हुए हैं। एक फॉर्मेट था 3 कॉलम बना लें बड़े बड़े, रिसीट इश्यूज एंड बैलेंस,
जिसमें हमने कहा था कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, रिसीट इश्यूज और बैलेंस को हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट करेंगे। और एक फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, ये 2 में ये वाला फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है कि हमने कहा जी हम इसी तरह एक ही सेट में रिसीट और इश्यूज यहीं पर डालते जाएंगे, हम इसी तरह बैलेंस अपडेट करते जाएंगे। और हमने कहा था ये फॉर्मेट हम तब प्रेफर करेंगे जब हमें सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है। अगर तुम्हें इश्यूज का रिकॉर्ड रखना है अलग-अलग तो हम उसका अलग देख लेंगे, या अदरवाइज वेटेड एवरेज में स्पेशली हम इस मेथड को जरूर यूज कर सकते हैं। फाइफो में शायद ये मेथड रिकमेंडेड ना हो, फाइफो में ये मेथड ये फॉर्मेट यूज नहीं हो सकता, लेकिन एफको में ये मेथड जरूर यूज हो सकता है। तो एफको को तो हम चाहें तो हम इसी मेथड से हमेशा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेथड हमारे लिए एफिशिएंट रहता है, तो ये फॉर्मेट एफिशिएंट रहता है। तो हम इसी फॉर्मेट के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 की स्टोर लेजर कार्ड बनाना शुरू करते हैं और फिर उसमें तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहले पार्ट बी कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जैसे कहा कि हम जो फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं, हम 3 कॉलम लेंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और एक हम यहां पे डेट ले लेते हैं और उसके आगे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। यहां पे डेट आ जाएगी और ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है। अच्छा जी, स्टार्ट हो रही है कहानी हमारी ओपनिंग बैलेंस से, और ये है जी जून के महीने की कहानी है। तो इसका मतलब 1 जून को हमारा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है। हमें बताया गया कि हमारे पास 100,000 यूनिट्स हैं 80 रुपीस के हिसाब से, कितने का बनेगा 8 मिलियन। ये जी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखें, आइटम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं पेज 110 पे अवेलेबल है नोट्स के। 150,000 यूनिट्स फॉर परचेज ऑन जून 5, 5 जून को परचेजेस की गई 150,000 यूनिट्स, कीमत उनकी है जी 12.75 मिलियन। अच्छा जी, एफको मेथड है, एफको मेथड में हमने क्या सीखा है, हर परचेज के ऊपर एवरेज कॉस्ट अपडेट करनी है। और एवरेज कॉस्ट अपडेट करने का तरीका है, आप वैल्यूज का सम लीजिए 20750000, इनको सम कीजिए यूनिट्स को और डिवाइड कीजिए 83.00 दीजिए जी। एफको मेथड में हमने क्या सीखा है कि हर परचेज के ऊपर नया रेट और उसके बाद जो भी इश्यूज आएंगे उस नए एवरेज रेट पे, एवरेज कॉस्ट पे किए जाएंगे। आइटम नंबर 3, 150,000 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर ऑन जून 6, 6 जून को इश्यूज किए गए जनाब यूनिट स्टोर से, 150,000 यूनिट्स इशू किए गए और ये इशू किए जाएंगे अब 83 पे, कितने के बने ये 12.45 मिलियन लीजिए जी। इसके बाद हमें बैलेंस अपडेट, हम यूजुअली हम चाहें तो इसके नीचे कॉलम डाल भी सकते हैं, टोटल डाल भी सकते हैं, चाहें तो ना भी करें कोई हर्ज नहीं है यहां पे, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन आगे चलती जा रही है। यूजुअली हम टोटल तब करना प्रेफर करेंगे जब रेट बदल रहा हो, जब परचेज आएंगी ना तब हम रेट बदल रहे हैं तब हम टोटल कर लेंगे, अभी में जरूरत नहीं है, अभी हमारा रेट नहीं बदल रहा तो हम आगे चलते जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गया जी, नोट नंबर 4, 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोर ऑन 12 जून। 12 जून को हमें रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन हुए कितने यूनिट्स, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन मतलब स्टोर में रिसीट है, तो 5,000 यूनिट्स आपके स्टोर में ऐड होंगे। और ये स्टोर में ऐड हुए कहां से वापस आए जनाब, 83 वाले, तो ये 83 वाले यूनिट्स वापस आए हैं, कितनी वैल्यू बनी जी, ये लीजिए जी, ये रिसीट हमारे पास, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन हमने स्टोर में इन कर लिया, इनको ऐड कर लिया अपने पास। इसके बाद ये आइटम नंबर 5, 150,000 यूनिट्स पर परचेज ऑन 15 जून, 15 जून को परचेज किए जा रहे हैं जी 150,000 यूनिट्स, 88.10 कितनी वैल्यू बनी जी 215,000। अब नई परचेज आ गई, टोटल करने की जरूरत है और अब हम यहां पे टोटल करेंगे, देखिएगा जरा ये सारी वैल्यूज का टोटल करें और ये सारे यूनिट्स का टोटल करें जी, वैल्यूज का टोटल इधर से लेके इधर तक जी 21930000 और यूनिट्स का टोटल 255,000 और एवरेज रेट 86.00 ठीक हो गया जी। हमें टोटल हमने कहा जी तभी कर लिया करेंगे जब हमारा रेट बदल रहा होगा, रेट बदलता है परचेजेस पे, उससे ऊपर हमें टोटल करने की जरूरत हर ट्रांजैक्शन पे यहां पे नहीं है।
हम सवाल को सवाल के फॉर्मेट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमेशा अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे उसने फाइनली पूछा क्या जी, मंथ एंड पे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताइए। तो मंथ एंड पे वैल्यू निकालने के लिए हमें मंथ एंड का रेट चाहिए, तो जब जब रेट बदल रहा है हम कैलकुलेट किया करेंगे। उसके अलावा हम एफिशिएंटली चीजों को बिलिंग करते जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी नोट नंबर 6। ऑन जून 17 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज स्क्रैप फॉर 20 पर यूनिट बिकॉज दीज हैड बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इमप्रॉपर हैंडलिंग एट QL। अब तुझे सुनिएगा, ये जो आपके पास प्रोडक्शन है वापस है डिफेक्टिव यूनिट्स, इनमें से 50% आपने बेच दिए। अब बेच दिए 20 रुपए के, वो तो उनकी सेल वैल्यू है, 20 रुपए इनकी सेल वैल्यू है। ये तो हमारा स्टोर लेजर कार्ड है जो कि कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो सेल वैल्यू की इसमें कोई एंट्री नहीं आती, वो जब जनरल एंट्री डाल ली ना अकाउंटिंग एंट्री, वहां पर आएगी। स्टोर लेजर कार्ड तो स्टोर इंचार्ज के पास है, वो तो जो रिसीव कर रहा है उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर लिया, और जो इशू कर रहा है वो यूज के लिए इशू कर रहा है या वो बेचने के लिए इशू कर रहा है कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेगा। स्टोर इंचार्ज का काम रिसीव्ड आइटम को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना और इशूड आइटम को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना, वो फाइफो के तहत है, वो एफओ के तहत है। तो भाई स्टोर लेजर कार्ड तो स्टोर इंचार्ज मेंटेन कर रहा होता है। इसने तो यहां पर सिर्फ जो 2500 यूनिट्स हैं जो डिफेक्टिव है स्क्रैप में बिक रहे हैं वो यहां पे अपने पास लेस कर देने हैं। ये बेचे गए हैं जी नोट नंबर 6 के मुताबिक 17 जून को, सेल इन स्क्रैप 2500 यूनिट्स बेचे हैं, और जनाब जो रेट चल रहा है इस वक्त 86 पे इशू हो जाएंगे, 2000 इशू हो गया जनाब, ये कहानी रिकॉर्ड होगी, ठीक हो गया जी। 20 रुपए के बिके हैं, वो अकाउंटिंग का हिसाब है। ये स्टोर लेजर कार्ड स्टोर इंचार्ज मेंटेन करता है जो कि कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है। तो इसने कहा जनाब मेरे से 25 यूनिट निकल गए हैं, एवरेज 86 कॉस्ट थी, 86 पे यहां से माइनस कर दो। अकाउंटिंग इसकी क्या होनी है वो हम पार्ट ए में जब जाएंगे हम उसको वहां पर देखेंगे। नोट नंबर 7, ऑन जून 18 द रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। मतलब बाकी कितने बचे थे 2500 उसने कहा जी सप्लायर को वापस कर दिया हमने। अब सप्लायर को वापस किए तो सप्लायर कौन सा है, जिसने परचेज किए थे उसी को वापस किए ना। अब जरा यहां पे तवज्जो कीजिएगा, अब हम इशू नहीं कर रहे, अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहां पे हम इशू कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट पे किए, यहां पे हम इशू कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट पे, जिस पे इशू किए थे उसे वापस लिया। ये भी इशू किए स्टोर इंचार्ज ने, जो एवरेज कॉस्ट थी उस पे इशू किए। अब जो है 2500 यूनिट वो इशू नहीं हो रहे, वो रिटर्न हो रहे हैं, जो रिटर्न होते हैं वो परचेज प्राइस पे होंगे। तो जनाब ये कहानी है 18 जून की, और ये हमने परचेज रिटर्न की 2500 यूनिट, ये भी लेस होंगे, लेकिन ये लेस होंगे 85 पे और 212 500। अब लेकिन इसके बाद एवरेज रेट बदल जाएगा, क्योंकि अब ये डिफरेंट रेट पे यूनिट लगेगा ना, यहां पे भी रेट बदल जाता है। तो सिर्फ रेट परचेज पे नहीं बदला, परचेज रिटर्न पे भी बदल गया। तो जनाब यहां पे आए ये 250,000 यूनिट्स, और ये टोटल ऑफ द वैल्यूज 2150 2500 जी, और एवरेज रेट 86.01। 18 जून तक हमने रिकॉर्ड कर लिया, कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं बेटा। ये परचेज रिटर्न है, जो परचेज की थी उसकी वापसी है, तो जिस रेट पे परचेज की थी उस रेट पे परचेज की वापसी होती है। द रूल इज परचेज जिस रेट पे हुई उस रेट पे वापसी होगी। ये इशू की रिटर्न है, इशू की रिटर्न है, इसका रूल भी क्या है, जिस रेट पे इशू हुआ था उस रेट पे वापस हुआ, जिस रेट पे प्रोडक्शन को मटेरियल इशू किया गया था उसी रेट पे वापस लेने हैं हमने। और परचेज का असूल रिटर्न का भी यही है, जिस रेट पे आपने परचेज की थी उसी रेट पे परचेज को रिटर्न करनी है सप्लायर को आपने। बेटा अगर वो क्वेश्चन आपको बताता कि जो डिफेक्टिव यूनिट्स है ओपनिंग स्टॉक में से आ रहे हैं तो आप उसके मुताबिक चलते। हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम अज्यूम करेंगे जो रीसेंट ट्रांजैक्शन है उसमें से है। इशू भी हमने अज्यूम किया रीसेंट ट्रांजैक्शन में से है, इशू का भी तो ये हो सकता है जी पिछले महीने जो इशू हुआ था उसमें से वापस आया। तो क्वेश्चन जब साइलेंट है तो हम जो रीसेंट इशू है उसमें से वापसी तसव्वुर करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो जो रीसेंट परचेज हम उसमें से वापसी तसव्वुर करेंगे, उसमें से वापसी अज्यूम करके चलेंगे। ये जनरल हमारी अजम्पशन रहेगी जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, 18 जून के बाद बारी है जी 19 जून की, 5000 यूनिट्स वर इशू टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स। ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए थे इनकी जगह इशू किए जा रहे हैं 19 जून को, तो ये तो अब फ्रेश इशू है ना इशूड, तो 5000 यूनिट इशू किए और अब फ्रेश यूनिट्स हैं, नए रेट्स पे जाएंगे 86.01 पे जाएंगे। कितनी वैल्यू? ये 480 4300 बोल रहे हैं कुछ 4300 4300 50
जी ये जी हमने 5000 यूनिट्स अब जो नए रेट हैं उस पे इशू कर दिए। हमें अगेन यहां पे अभी टोटल लेने की जरूरत नहीं है, जब हमारा रेट बदलेगा फिर हम टोटल लेंगे। इसके बाद जी नोट नंबर 9, 20th जून को सप्लायर ने 2500 यूनिट वापस कर दिए इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स व्हिच हैड बीन रिटर्न्ड। तो जनाब ये जो हमने 2500 यूनिट्स वापस किए थे ना, ये हमारे पास दोबारा आ गए, ये हमने 20 जून को वसूल किए, ये रिप्लेसमेंट यूनिट्स, रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर, 2500 यूनिट्स हमारे पास वापस आ गए हैं और ये दोबारा 85 पे ही आएंगे, 212,500। अब अगेन हमें यहां पे नया एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। हमारे पास यूनिट्स हो गए कितने, 247,500, वैल्यू होगी कितनी, 21,284,950 और एवरेजेस 86.00। सप्लायर ने रिप्लेसमेंट भेजी है तो जिस रेट की ओरिजिनल परचेज थी, जिस रेट पे हमने वापस किया उसी रेट पे ही हमें रिप्लेसमेंट मिली, 85 पे हमने वापस किया था, 85 पे हमने रिप्लेसमेंट यहां पे बुक की। क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया लेकिन इट इज अंडरस्टूड कि वापसी उसी रेट पे मिलनी है हमें। अच्छा जी नोट नंबर 10, 150,000 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर ऑन 21 जून। अब जी 21 जून आ गया, 21 जून को 150,000 यूनिट्स इशू हो गए, 21 जून को इशू हुए हैं 150,000 यूनिट्स और ये जाएंगे 86 पे, 12.9 मिलियन। लीजिए जी यहां से माइनस कर देंगे हम इसको। इसके बाद नोट नंबर 11, ड्यूरिंग फिजिकल स्टॉक काउंट कैरीड आउट ऑन 30th जून इट वाज नोटेड दैट क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ एसआरएम इंक्लूडेड 500 ऑब्सोलीट यूनिट्स हैविंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 30 पर यूनिट, 44,000 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट। अच्छा जी जितने यूनिट्स हमारे पास बचे हैं इनमें 500 यूनिट्स ऑब्सोलीट है और 4000 यूनिट्स शॉर्ट है। ऑब्सोलीट का मतलब यूनिट्स हमारे पास हैं लेकिन शायद वो किसी वजह से डैमेज हो गए हैं, यूजेबल नहीं है, और 4000 यूनिट्स हमारे पास है ही नहीं। तो स्टोर लेजर कार्ड में जितने यूनिट्स फिजिकली पड़े हुए हैं वो कॉस्ट पे मेंटेन किए जाते हैं। अब 4000 यूनिट यहां से शॉर्ट हो गए हैं तो वी नीड टू इशू 4000 यूनिट्स फ्रॉम हियर, इस पे हमारी बात हो चुकी है। तो हम 30 जून को शॉर्टेज को रिकॉर्ड करेंगे 4000 को और इसको 86 पे रिकॉर्ड करेंगे 344,000 और 500 यूनिट्स हमारे पास ही पड़े हुए हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, ठीक है। हाँ उनमें ऑब्सोलीट जरूर हैं, उस पर बात अलहदा होगी कि उसके साथ हमें सलूक क्या करना है, बट फिलहाल हमारे पास ही पड़े हुए हैं तो हमें उसको स्टोर लेजर कार्ड में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। स्टोर लेजर कार्ड में जो यूनिट्स फिजिकली पड़े हुए हैं हमारे स्टोर में वो सारे नजर आने चाहिए, वो सारे कॉस्ट पे नजर आने चाहिए। तो जनाब वो सारे कॉस्ट पे नजर आ रहे हैं, हम यहां पे टोटल कर सकते हैं स्टोर लेजर कार्ड का, यूनिट्स कितने हैं, 93,500, 86 पे 804,950। ये जी हमारे पास स्टोर लेजर कार्ड कंप्लीट हो गया। हमारा जो पार्ट बी था ना, प्रिपेयर स्टॉक लेजर कार्ड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट द मंथ एंड। अब यहां पे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री उसने कहा है तो उसके लिए हमें एनआरवी टेस्टिंग यहां पे करनी पड़ेगी। स्टोर लेजर कार्ड यहां पे कंप्लीट है लेकिन अब हमें एनआरवी टेस्टिंग यहां पे करनी पड़ेगी कि अब हमें पता है कि इस 93,500 में से 500 ऑब्सोलीट है, ठीक है। तो मैं अब इसकी वैल्यू, अब ये पार्ट आपके सोल्यूशन में मिसिंग है, ये पार्ट आपके सोल्यूशन में मिसिंग है, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे हिसाब से यहां पे तो हमारा ये कॉस्ट का रिकॉर्ड आ गया, ये हमारी कॉस्ट है। इसको मैं रेट की जगह इसको मैं फर्दर अगर कॉस्ट लिख दूं यहां पे तो ये जनाब कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है। और अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन तो वैल्यू के लिए हमारे पास 93,000 यूनिट्स जो कि बिल्कुल ठीक है ये कॉस्ट पे वैल्यू किए जाएंगे और 500 यूनिट्स जो ऑब्सोलीट है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी इज 30, वो 30 पे वैल्यू किए जाएंगे। तो जनाब ये कॉस्ट कितनी बनी, 7,998,000 और एनआरवी 15,000 15,000 टोटल कर लीजिए, 8,013। यह है जी आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के अतुल पे। 93,000 यूनिट्स हमारे ठीक थे उनको हमने कॉस्ट पे वैल्यू कर लिया, 500 हमारे ऑब्सोलीट थे उनको हमने एनआरवी पे ले लिया। और जैसे मैंने कहा यह पार्ट आपके आंसर में मिसिंग है, आई कैपिटल सॉल्यूशन उसमें यह पार्ट मिसिंग है जो कि मेरे हिसाब से यह हिस्सा है हमारे आंसर का, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री।
लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। स्टोर लेजर कार्ड कॉस्ट में मेंटेन होता है, इसमें ऑब्सोलीट आइटम की कोई एंट्री नहीं आती, लेकिन वैल्यूएशन हम इस तरह रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने स्टोर लेजर कार्ड को मेंटेन किया। जी बेटा, बेटा हमारे पास वैल्यू में 93,500 यूनिट्स पड़े हुए हैं और हमें नोट नंबर 11 में बताया गया है कि इनमें से 500 यूनिट्स ऑब्सोलीट हैं। और हमने सीखा वह है जो ऑब्सोलीट यूनिट्स होते हैं जल्दी उनकी एनआरवी कॉस्ट से कम होगी। और जब हमें वैल्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो यही है, यह है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एवरेज कॉस्टिंग मेथड पे। जब हमसे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहा जाता है तो हमें असूल पता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विच इज टू बी रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और हमें उसने बताया है कि भाई टोटल 93,500 यूनिट्स हमारे इन हैंड है, उनमें से 500 ऑब्सोलीट है। तो हमने जो तो यूनिट्स गुड हैं वो तो लेकिन उनकी कॉस्ट लो होती है, यह असूल हमें पता है, लेकिन जो डैमेज यूनिट्स हैं उनकी एट टाइम एनआरवी कॉस्ट से कम हो जाती है। जैसे यहां नजर आ रही है कॉस्ट तो यूनिट्स की भी 86 है लेकिन एनआरवी इनकी 30 है। तो हमारा असूल है यूनिट्स शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हमने इनको वैल्यू किया एनआरवी पे, 500 को एनआरवी पे किया, 93,000 को कॉस्ट पे किया। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के प्रिंसिपल के तहत हमने यहां पे प्रिंसिपल अप्लाई किया है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का। ये गुड यूनिट्स हैं, ये कॉस्ट पे वैल्यू किए गए हैं, ये डैमेज यूनिट्स हैं, ऑब्सोलीट यूनिट्स हैं, ये एनआरवी पे वैल्यू किए गए हैं। जी नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हमसे कहा गया है इनकी काउंटिंग एंट्रीज भी पास कीजिए। ये सारी ट्रांजैक्शन जो 11 की 11 हमने नोट्स पढ़े हैं, इन 11 के 11 ट्रांजैक्शन की काउंटिंग एंट्री भी पास करनी है। तो जनाब अकाउंटिंग एंट्री के लिए हम अब पार्ट ए डेबिट क्रेडिट दो कॉलम बनाएंगे जी। वन बाय वन अगर पढ़ते जाएं, सबसे पहले जी हमने पढ़ा जी ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की कोई काउंटिंग एंट्री नहीं होती। इसके बाद परचेजेस हैं, तो परचेजेस की एंट्री आपकी आती है जी, इसमें भी हम डेट का कॉलम यहां ले आते हैं जी, एक डेट का कॉलम भी ले आते हैं ताकि डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाए। पहली ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जी आप 5 जून को, और ये है जी परचेजेस। परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत हमने जो अकाउंटिंग सीखी हुई है, इन्वेंट्री डेबिट की जाती है और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किए जाएंगे। और ये वैल्यू कितनी है, ये हमने यहां पे सारी कैलकुलेट की हुई है, मैंने इसलिए पहले बनाया था कि हम वैल्यू यहां उठाते जाएंगे। 12.75 मिलियन हमने परचेजेस 5 जून की रिकॉर्ड की, 12.75 मिलियन। ये जी हमने कहा जी ये हमारी परचेजेस हमने रिकॉर्ड की जी। नरेशन लाजमी है आपके लिए, अनलेस एग्जामिनर आपको कह दे नरेशन ना लिखिए। जनरल एंट्रीज जब भी आपको दी जाएंगी, जनरल एंट्री की नरेशन लाजमी है। मैं बात का नरेशन की डिटेल में नहीं लिखूंगा, लेकिन आपके लिए वहां पे एक 2-3 वर्ड्स में नरेशन लिखना जरूरी है, अनलेस एग्जामिनर कहे। आपके सामने शायद कई सवाल आएंगे ऐसे आगे चल के जिसमें एग्जामिनर कहता है कि नरेशन मे नॉट बी रिक्वायर्ड, यू कैन इग्नोर नरेशन। तो जहां पे वो लिखे नरेशन नहीं चाहिए फिर ही आप उसको स्किप करेंगे, अदरवाइज नरेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक हो गया, याद रखेगा। हमारे सामने सवाल आएंगे जैसे मैंने कहा, जिसमें उसने बताया होगा एक एग्जामिनर ने कि नरेशन आप मिस स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, हम आप पहुंचे आइटम नंबर 3 पे, 150,000 यूनिट्स इशूड फ्रॉम स्टोर। तो जब स्टोर से यूनिट इशू किए जाते हैं हमें पता है वो इशू प्रोडक्शन को किए जाते हैं, और जब यूनिट इशू किए जाते हैं तो एंट्री इज वर्क इन प्रोसेस डेबिट क्रेडिट इन्वेंट्री। और वैल्यू क्या है, ये हमने 6 जून की इंट वैल्यू यहां कैलकुलेट की हुई है, 12.45 मिलियन। हमने स्टोर लेजर कार्ड इसलिए बना लिया था पहले कि स्टोर लेजर कार्ड में वो तमाम वैल्यूज हम ऑलमोस्ट कैलकुलेट किए बैठे हैं जो हमें यहां पे चाहिए, 12.45 मिलियन। ये जी इशूड टू प्रोडक्शन। इसके बाद आइटम नंबर 3, डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से वापसी हुई है जी 12 जून को, तो प्रोडक्शन से वापसी हुई, डेबिट इन्वेंटरी और क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस। और वैल्यू क्या है इनकी जी रिटर्न की, 415,000
415000। ये जी 5000 यूनिट्स रिटर्न, ठीक है जी, इसको भी रिकॉर्ड कर दिया जी हमने। नोट नंबर 5, 150,000 यूनिट्स फॉर परचेज, 15 जून को फिर परचेज की गई है जी। तो सेम एंट्री जो हमने पहली डाली थी, इन्वेंटरी डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 13.215000। ये जी परचेजेस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं मैं हर जगह लिखूं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी डिस्क्रिप्शन लिखना, परचेजेस रिकॉर्ड किया हमने। इसके बाद नोट नंबर 6, ऑन जून 17 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज अ स्क्रैप। अब हमने यूनिट स्क्रैप में बेचे हैं, अब इनकी रिकॉर्डिंग देखिए क्या होगी जी। ये हमने जी 17 जून को बेचे हैं, अब सलीस देखिएगा इनकी, क्योंकि ये अफदारी बात है, फर्स्ट टाइम हम डील करने जा रहे हैं इस ट्रांजेक्शन से। हमने ये यूनिट्स इफेक्टिव बेच दिए किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट। तो भाई पहली चीज तो डेबिट कैश है, डेबिट हमने कैश करना है, और दूसरी चीज हमने अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो जल्दी जरा देखिएगा इन्वेंट्री रिकॉर्ड से हमने कितनी इन यूनिट्स किस कॉस्ट में निकालने हैं। इन्वेंट्री से हमने 2500 यूनिट्स बेचे हैं, 215000 कॉस्ट है उनकी, ठीक है जी। तो जनाब इन्वेंट्री को तो हमने 215000 से क्रेडिट करना है, लेकिन कैश हमें आ रहा है सिर्फ 2500 यूनिट का, किस रेट पे, 20 रुपए के हिसाब से, कितने का जी, 50,000 का। तो जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, लॉस। वो लॉस है, उसको आप FOH अकाउंट को डाल दो, उसको आप PNL को डाल दो, आपको अकाउंट्स में आपके सॉल्यूशन में डिफरेंट वैल्यूज नजर आ रही हैं। कहीं पे वो इसको FOH लिख रहा है, कहीं पे वो PNL डाल रहा है, कहीं पे वो तीसरे हेडिंग पे डाल रहा है, बट आपके लिए यहां पे लिबर्टी है, आप इसको FOH लिख दो, आप यहां पे PNL लिख दो। लॉस है ये हमें पता होना चाहिए, ये लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, ये डिफेक्टिव यूनिट्स है, कितना बना चाहिए लॉस, 165,000। एग्जामिनर ने कहीं पे इसको FOH लिखा है, कहीं पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, कहीं पे इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन तरह की ये आइटम यहां पे इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिख रहा है, तो आप इनमें से कोई भी आइटम लिख दो, इट इज गुड इनफ। मुझे लगता है शायद FOH या PNL में से कोई लिखना ज्यादा बेहतर है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं इतना सपोर्ट नहीं करूंगा। अल्टीमेटली शायद चीजें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाती हैं, लेकिन आप FOH या PNL लिख दो तो ज्यादा बेहतर है जी बेटा, क्योंकि ये सेल नहीं है बेटा, ये रेवेन्यू नहीं है, ये स्क्रैप हमारा है जो हमने बेचा है, ठीक है। सेल्स नॉर्मली आप लेते हो उन प्रोडक्ट्स को जो आपने फॉर सेल बनाई होती हैं या फॉर सेल खरीदी होती हैं, ये हमने रेवेन्यू नहीं अर्न किया, ये तुम्हारे पास जो स्क्रैप बचा था, हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा था, हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को रिकवर किया, रॉ मटेरियल का जो हमने यूज के लिए रखा था, जो किसी वजह से डिफेक्टिव हो गया, तो हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को रिकवर किया। ये चीज हमने फॉर प्रॉफिट नहीं बेची, सेल रेवेन्यू में जनरली हम चीजें वो लाते हैं जो हम फॉर प्रॉफिट बेच रहे होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। ये इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी, रॉ मटेरियल हमने इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को बेचा है अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, डिफेक्टिव यूनिट थे हमारे पास। अच्छा जी 17 जून के बाद 18 जून नोट नंबर 7, रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर। तो परचेज रिकॉर्ड की, अब परचेज रिटर्न की एंट्री है 18 जून की, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी जी 18 जून, बिल्कुल ठीक है जी, अकाउंट्स पेबल डेबिट होंगे और इन्वेंटरी क्रेडिट हो जाएगी 212500। ये वही वैल्यू है जो हमने ऊपर यूज की भी है स्टोर लेजर कार्ड में, ये हमने स्टोर लेजर कार्ड में ये वैल्यू ये यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट की भी है, ये वर्जी रिप्लेस परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न हमने रिकॉर्ड की 212500 की, उसकी अकाउंटिंग एंट्री अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 जून की। उसके बाद है जी नोट नंबर 8, जून 19, 5000 यूनिट्स वर इशू टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स। इशू टू प्रोडक्शन है 19 जून के, तो ये वर्किंग प्रोसेस डेबिट होता है और इन्वेंट्री क्रेडिट होता है जी, और वैल्यूज की कितनी है 0050, ये भी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की भी है, इशूड टू प्रोडक्शन, ये वैल्यू भी हमने ऊपर यहां पे ये कैलकुलेट की भी है, ये जी 430050। स्टोर लेजर कार्ड हमने इसीलिए पहले बनाया था कि ये सारी चीजें वहां पे हमें मिलनी है। 19 जून नोट नंबर 8, इसके बाद है जी नोट नंबर 9, 20 जून सप्लायर ने आपको रिप्लेसमेंट डिलीवर कर दी, सप्लायर को जो आपने वापस किए थे ना यूनिट, ये वापस आपको रिप्लेसमेंट आई, आप 20 जून को रिकॉर्ड करोगे, इन्वेंट्री डेबिट होगी,
अकाउंट्स पेएबल फिर क्रेडिट हो गए सेम अमाउंट से 212500 212500। ये जी रिप्लेसमेंट यूनिट्स रिसीव्ड, अच्छा जी 20 जून की रिकॉर्डिंग होगी। नोट नंबर 10 150,000 यूनिट्स इशूड, ये 21 जून को हुए जी, 21 जून को यूनिट्स इशू किए तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट हुआ और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी 12.9 मिलियन। ये वैल्यूज भी हमने ऊपर कैलकुलेट की भी हैं, ये नई वैल्यू नहीं है, पहले ही हमने कैलकुलेट की भी ऊपर, वही हम उसी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो स्टोर लेजर कार्ड में रिफ्लेक्ट हुई भी है। और आखिरी आइटम नोट नंबर 11 जिसमें ऑब्सोलीट आइटम है, जिसमें डैमेज आइटम है, अब हमें अपने स्टोर लेजर कार्ड को अपडेट करना है। तो जनाब सबसे पहले यह है जितनी जून की एंट्री, हमें इन्वेंट्री को क्रेडिट करना है और हमें लॉस एफएच को जाएगा ऑब्सोलीट आइटम का, एफएच को जाएगा शॉर्टेज का। तो ऑब्सोलीट आइटम पे कितना लॉस आ रहा है जी? 500 यूनिट्स पे हमें लॉस आ रहा है 86 माइनस 30 का, ऐसे ही है जी 28,000। और शॉर्टेज जो है वो 4,000 यूनिट्स पे 86, कितना बने जी 344,000। और जनाब इन्वेंट्री को आप अपडेट कर देंगे 372,000 से, ये आपने जो लॉस है उसको रिकॉर्ड कर लिया है अपने पास। आपने स्टॉक टेक किया उसमें 500 यूनिट ऑब्सोलीट आए उनका लॉस आपने रिकॉर्ड करना है और 4,000 यूनिट शॉर्ट आए उनका लॉस रिकॉर्ड करना है। जो शॉर्ट यूनिट्स हैं वो तो कॉस्ट पे सारे का सारा लॉस रिकॉर्ड हो गया और जो ऑब्सोलीट हैं उनमें आपने इन्वेंट्री, आपने यहां पे देखे ना वैल्यूएशन आप कहां पे ले गए हो, इन्वेंट्री आपने 86 की बजाय 30 पे वैल्यू की है, इसका मतलब आपकी कॉस्ट 86 थी, बुक्स में आप 30 पे दिखा रहे हो, इसका मतलब आपका 56 का लॉस रिकॉर्ड यहां पे कर रहे हो। तो वो लॉस आप अकाउंटिंग में कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये आखिरी ट्रांजेक्शन जी। जनाब एनी क्वेश्चन, कोई सवाल बेटा? ये हमारे एफओएच क्या होते हैं? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हमारी प्रोडक्शन के ही खर्चे हैं। आप प्रोडक्शन करेंगे, स्टोर मेंटेन करेंगे तो सॉलिसेंस भी होगी, डैमेज भी होंगी और चोरी चकारी भी होगी, शॉर्टेज भी आएगी, तो ये प्रोडक्शन के खर्चे हैं और ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे नहीं है, तो इससे हम इनको ओवरहेड्स में चार्ज करते हैं। दिस इज वन वे ऑफ ट्रीटिंग देम। अल्टरनेट वे जैसे मैंने ये भी कहा, ये भी होता है कि आप इनको ओवरहेड में, जब ओवरहेड में डालते हैं ना तो ये अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन रहे होते हैं, ऐसे ओवरहेड्स जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब होते हैं और ओवरहेड एब्जॉर्ब वो भी आपका पीएनएल में चला जाता है। तो जो भी है ओवरहेड में जो चीज जाएगी अल्टीमेटली क्लोज इसने पीएनएल में ही होना है, ओवर या अंडर एब्जॉर्ब की मद में जाके पीएनएल में चला जाएगा। अगर यहां पर एक्स्ट्रा ओवरहेड आपके एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं इस तरह, तो एक्चुअल ओवरहेड आपके बढ़ते जा रहे हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स बढ़ने से चांसेस हैं वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज्यादा हो जाएंगे, तो इफेक्ट उसका पीएनएल में ही जाना है। तो आप डायरेक्ट पीएनएल को चार्ज शो कर दो वो भी एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, यहां पे आप यहां पे एफओएच में शो कर दो वो भी एक्सेप्टेबल है, बाय द वे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डाल दो वो भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ही जाता है ना ओवरहेड, ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ही जाता है। तो शायद मैंने पहले कहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, तो मुझे लग रहा है मैंने गलत कह दिया, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जहां मर्जी शो कर दो तीनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि अल्टीमेटली एफओएच ने भी कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पीएनएल का हिस्सा होता है। तो आप एफएच इस तरह के लॉसेस जो ऑब्सोलेसेंस में आए हैं, इस तरह के लॉसेस जो शॉर्टेज की वजह से आए हैं, आप एफएच में क्लोज करो, पीएनएल में क्लोज करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोज करो, तीनों एक्सेप्टेबल जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, बिल्कुल इसी अंदाज में देख लीजिए इसकी रिक्वायरमेंट, वही पार्ट बी प्रिपेयर स्टॉक लेजर कार्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट द मंथ एंड, इसमें टाइप आ रहा भी वही है एट द मंथ एंड, और प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अवर ट्रांजेक्शन।
ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में से रिलेटिवली लेटेस्ट अटेम्प्ट में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड लिमिटेड का, लेकिन रिक्वायरमेंट इसकी बिल्कुल सिमिलर है और इसकी एडजस्टमेंट भी काफी हद तक बिल्कुल वैसी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन उसकी तकरीबन कॉपी है, सिर्फ वैल्यूज नंबर बदले में है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये होम असाइनमेंट में दे रहा हूं ताकि आप एक बार रिवीजन आपकी हो जाए कि इस टॉपिक को जो हमने की। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन यहां का भी, कोई सवाल? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा बच्चा है जिसने कॉस का पेपर इस बार दिया था और आज हमारे पास बैठा हुआ ज्वाइन किया हमें, एनी स्टूडेंट जिसने कॉस का पेपर इस बार दिया था और हमें ज्वाइन किया हो आज? नहीं। अच्छा जी, हमारा एजेंडा जो है कि वैल्यूएशन इन्वेंटरी वैल्यूएशन हमारी डिस्कशन तकरीबन खत्म है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप कल करके आएंगे, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। कोई इशू होगा आपको इसको रिवीजन किया आपने, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, कोई इशू हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा जो चीज रहती है वो हमने छोड़ी हुई है पीछे, मार्जिनल अडॉप्शन कॉस्टिंग के क्वेश्चंस, चैप्टर 3 हमारा मार्जिनल अडॉप्शन कॉस्टिंग का चैप्टर था, उसके हमने पास्ट पेपर क्वेश्चंस हमने देखने थे, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन अपनी स्टार्ट कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।